हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में रफल टॉप की फुल कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और इस टॉप को मैंने 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है। अगर आप किसी और साइज के लिए बनाना चाहते हैं तो मेजरमेंट हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको सारे मेजरमेंट बता देंगे। और आप अगर इस डिजाइन को बनाते हैं तो उसकी पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ का जो स्कर्ट है वो मैंने आपको इस वीडियो में बनाना सिखाया है, उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेक करके आप इसके स्कर्ट बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए अब इस टॉप को बनाना सीख लेते हैं। टॉप के लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करें तो उसके लिए फैब्रिक की 2 लेयर ली हैं। टॉप की फुल लेंथ रखेंगे 15.5 इंच, जिसमें 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करें। साइड से काज और बटन की पट्टी के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएं। फुल शोल्डर लेंगे 5 इंच, इस लाइन से ही निशान लगाएं। शोल्डर के अकॉर्डिंग 1/2 इंच आर्म होल के लिए प्लस कर देंगे, तो ऊपर से 5.5 इंच पे आर्म होल लेंथ लेंगे। यहाँ पे भी 5 इंच पे निशान लगाएं। इस साइज में चेस्ट का साइज लेंगे 24 इंच, जिसका 1/4 हुआ 6 इंच, और इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे 1 इंच की लूजिंग के लिए और 1/2 इंच सीम अलाउंस के लिए, तो इस लाइन से 7.5 इंच पे निशान लगाएं। बॉटम पे भी 7.5 इंच पे निशान लगाएं। यहाँ पे आर्म होल का शेप दें। नेक की विड्थ लें 2.25 इंच और डेप्थ लेंगे 2.5 इंच। यहाँ पे राउंड शेप दें, पूरा राउंड नहीं देना है, हल्का सही बस गहराई करनी है। शोल्डर डाउन करें 1 इंच। अब यहां से सेम कटिंग कर दें। काज और बटन की पट्टी के लिए जो मार्जिन लिया है इसको यहां से फोल्ड कर दें, क्योंकि जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इस मार्जिन को बैक पार्ट में ऐड नहीं करना है, इसलिए इसको ऐसे फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पर एक स्मॉल कट लगाएं। अब बैक पार्ट की कटिंग करें तो उसके लिए फैब्रिक का एक पीस लें और इसे सेंटर से फोल्ड करें। अब सेंटर से फ्रंट पार्ट को प्लेस करें। फ्रंट में शोल्डर 1 इंच डाउन किया था तो बैक पार्ट 1 इंच उठा के कट करेंगे, तो यहां से 1 इंच पे निशान लगाएं। शोल्डर फुल लिया था 5 इंच, तो यहां से 5 इंच मेजर कर लें, इसे बराबर कर लें। नेक की विड्थ ली थी 2.25 इंच, सेंटर से 2.25 इंच लें। बैक नेक की लेंथ रखें 1 इंच। यहां पे राउंड शेप दे। अब सेम निशान पर कटिंग कर दे।
अब बैक पार्ट को हटा दें और फ्रंट के दोनों पीस को ओपन करें। ये दोनों पीस के राइट साइड है। राइट हैंड पे कांच की पट्टी बनाते हैं और लेफ्ट हैंड पे बटन की पट्टी। तो पहले इस पीस को उल्टा करें और जहां पर कट लगाया था इसको हाफ फोल्ड करें। ऊपर तक बराबर फोल्ड किया, अब इस कट से अंदर के लिए फोल्ड कर दें। फिर बिल्कुल किनारे से स्ट्रेट सिलाई लगा लें। अब इस पार्ट को साइड करें और इस पार्ट को उल्टा करें। पेपर पेस्टिक की एक पतली स्ट्रिप कट करें, इसकी विड्थ 1 इंच है। जहां से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है इस तरफ से यहाँ पे चिपका देंगे। अब इस मार्जिन को अंदर के लिए फोल्ड करें। फिर जहां से पेस्टिक चिपकाई है यहां से अंदर के लिए इस तरह फोल्ड करें। अब इस तरफ भी बिल्कुल किनारे से स्ट्रेट सिलाई लगाएं। अब यहां से एक्स्ट्रा वाली पट्टी को कट कर दें। इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखें। दोनों शोल्डर पे 1/2 इंच का मार्जिन लेके अटैच करें। आर्म होल को फोल्ड करने के लिए एक क्रॉस पट्टी लें। इसकी विड्थ 1/4 इंच है। उल्टी तरफ से इस पट्टी को नीचे रखें। और इन दोनों को बराबर मिलाते हुए अटैच करें 1/2 इंच का मार्जिन लेके। और जब इसे अटैच करेंगे तो क्रॉस पट्टी को हल्का सा खींचते हुए ऐसे बराबर मिला के इसको अटैच करें। पीछे से बराबर करें। अब इस पट्टी को इस वाले मार्जिन तक हाफ फोल्ड करें। फिर यहां पर जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर फोल्ड करके इस तरह रखें। अब बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएं। अब यहां से नीचे के लिए 3 इंच पे निशान लगाएं और यहां से 1.5 इंच पे। सेम इस तरफ भी 3 इंच पे लगाएं और यहां से 1.5 इंच पे। फिर इस तरह से शेप दे। इसी शेप में रफल अटैच करना है इसलिए ये निशान लगाएं। रफल के लिए एक स्ट्रेट पट्टी कट करें और देखिए यहां से ये डबल फोल्ड है। इसकी हाफ लेंथ है 15 इंच और विड्थ है 2 इंच। खुली वाली तरफ से इस तरह शेप दे। अब इसे कट कर दे। इस तरफ से ओवरलॉक करें और अगर आपके पास ओवरलॉक करने वाली मशीन नहीं है तो इधर से फैब्रिक को फोल्ड करें। यहां देखिए मैंने ओवरलॉक कर दी है और ऊपर से 2 स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब यहां से इन दोनों सिलाई में से एक एक धागे को खींचेंगे। इस धागे को ऐसे खींचते हुए पहले पूरा रफल बना लेंगे। देखिए इस तरह से रफल बनाएंगे। अब इसको उल्टी तरफ से
इस वाले मार्जिन से हाफ इंच मार्जिन ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए रखें, बिल्कुल इसी निशान पे। अब जो हमने निशान लगाया था पहले चौक से, उस निशान पे सिलाई लगा देंगे इसी शेप में। अब इस रफल को इस तरफ पलटे और ऊपर से एक सिलाई लगा लें बिल्कुल किनारे से। फिर इस रफल की तरह ही एक और रफल तैयार करें और इसकी लेंथ इस रफल से 1 इंच छोटी रखें। अब इस रफल को उल्टी तरफ से इस वाले रफल से हाफ इंच ऊपर के लिए यहां से अटैच करें। इस वाले निशान से बिल्कुल बराबर रखें। देखिए जैसे मैंने प्लेस किया है बिल्कुल इसी तरह रखें और इस तरफ से भी हाफ इंच ऊपर के लिए रखें। फिर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएं। यहां से अटैच करने के बाद इसको भी इस तरफ पलटे और इसमें भी किनारे से सिलाई लगा दें जैसे इसमें लगाई थी। अब इसकी तरह ही एक और रफल बनाएं और इसकी लेंथ इस रफल से 1 इंच छोटी रखें। इस रफल से हाफ इंच ऊपर के लिए निशान लगाएं। अब इस रफल को उल्टी तरफ से यहां से रखें। इस तरफ से भी हाफ इंच ऊपर के लिए अटैच करना है। तो देखिए जैसे मैंने प्लेस किया है बिल्कुल ऐसे प्लेस करें और हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं। फिर इस रफल को इस तरफ पलटें और इसमें ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है, इस पे अच्छे से प्रेस करें जिससे ये रफल बिल्कुल बैठ जाएगा। और जैसे हमने इस तरफ रफल अटैच करे हैं बिल्कुल वैसे ही इस तरफ अटैच करें। अब इसे उल्टा करें। दोनों साइड से बराबर मिलाएं और हाफ इंच का मार्जिन लेके अटैच करें और ऊपर से सिलाई को लॉक करें। नीचे से भी कपड़े को फोल्ड कर लें। यहां से दोनों को बराबर मिलाएं। एक सेंटर पे कट लगाएं। यहां से इसको मेजर करें बराबर मिलाते हुए। इसकी टोटल लेंथ आ रही है 7.1 इंच। कॉलर की कटिंग हम 7 इंच पे करेंगे। कॉलर बनाने के लिए पेपर पेस्टिक लें और देखिए यहां से ये डबल फोल्ड है। और जैसा हमने बताया था कॉलर की कटिंग 7 इंच पे करेंगे, तो सेंटर से 7 इंच पे निशान लगाएं और यहां से पीछे के लिए 2 पॉइंट पे निशान लगाएं। इसको यहां से ऐसे मिला दें, इसकी कटिंग कर दें। अब फैब्रिक का एक पीस लें और इस तरफ से इसके ऊपर चिपका दें। अब कपड़े पर हाफ इंच का मार्जिन लेके कट करें और इस तरफ से अंदर के लिए फोल्ड करें, ऊपर से एक सिलाई लगाएं। अब इसी के बराबर एक और कपड़ा लें, ऊपर से बराबर रखें, फिर इस तरफ किनारे से सीधी सिलाई लगाएं। साइड से बराबर मिलाएं और सेंटर पे कट लगाएं। और देखिए नीचे वाले कपड़े पर सीम अलाउंस के लिए 2 पॉइंट का मार्जिन लेंगे। अब कॉलर को टॉप के साथ अटैच करें, तो इसको ऐसे ओपन करें और उल्टी तरफ से रखें। इसके सेंटर पे कट लगाया था तो टॉप के भी सेंटर पे देखिए कट लगाया था। सेंटर से बराबर मिलाएं।
देखिए इस तरफ से सीम अलाउंस के लिए मार्जिन बाहर के लिए निकला हुआ है, ये दोनों बिल्कुल बराबर मिल गए हैं। तो सेंटर से बराबर मिलाते हुए 2 पॉइंट का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं, और जैसे इधर सिलाई लगाई है बिल्कुल वैसे ही इस तरफ लगाएं। अब इसको बाहर की तरफ पलटे, सेंटर वाले जॉइंट से इस तरफ फोल्ड करें, दोनों को बिल्कुल बराबर मिलाएं। अब यहां से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएं पेस्टिक के बिल्कुल बराबर से। यहां देखिए बिल्कुल किनारे से लॉक करते हुए स्ट्रेट सिलाई लगाई, और बिल्कुल ऐसे ही इस तरफ भी लगाएं। यहाँ पर स्मॉल कट लगाएं, कॉर्नर से थोड़ा कपड़ा कट करें, इस तरह सीधी तरफ पलटे। साइड से मार्जिन पूरा अंदर के लिए दबा दें। और देखिए ये बिल्कुल बराबर से सेट हो गया है। अब जहाँ पे पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारे से। देखिए इस तरह बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। फिर यहाँ से सिलाई घुमाते हुए ऊपर की तरफ भी किनारे किनारे लगा देंगे, और ऊपर से हमने जो कच्ची सिलाई लगाई थी फैब्रिक को फोल्ड करते समय ये वाली सिलाई खोल देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। आप भी इस तरीके से जरूर बनाएं। और यहाँ पे मैंने बटन को भी अटैच कर दिया है। आज का डिजाइन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पे क्लिक जरूर करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। और साथ ही मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासी ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पे भी आपको ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखने को मिलेंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया है स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।